देख रहे हैं एसकेके न्यूज। एसकेके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं राधिका, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज जो आपका करना है वो वैशाली जिला पहुंचा है महुआ, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, हम कोशिश हमारी है, मैं पहले से भी कर रहा हूँ कि जहाँ तक हमारी पहुँच होगी, जहाँ तक हमारे लोग होंगे वहाँ तक हम पहुँचेंगे। आज वैशाली के अंदर में न्याजी मामा के थ्रू दाऊद नगर पंचायत में हम लोग ये किए हैं। यहाँ की रिक्वायरमेंट आई इनके थ्रू, नादिर भाई के थ्रू, कि यहाँ पे बहुत सारे गरीब फैमिली हैं यहाँ पे जिनको राशन देना है। लेकिन मैं क्या कहूँ, इस चीज़ के लिए अफसोस भी आ रहा है कि इतनी दूर से अगर हम आ सकते हैं तो आस पड़ोस के लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों को भी ये चीज़ एक अंदर से एनर्जी आनी चाहिए कि हाँ, हमें भी गरीब की मदद करनी है। जो हालात आज देश का हो गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर दोषारोपण करने से नहीं होगा, घर में बैठने से और टेलीविजन पे सिर्फ बोलने से या फेसबुक चलाने से नहीं होगा। हम और आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए रोड पे आना होगा। हालात ये, लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, लेकिन अभी मैंने देखा, आज की जो सीन देखी है, पटना शहर के अंदर बहुत सारी चीज़ें खुल गई है। आज बहुत सारी गाड़ियां चलने लगी हैं, शॉप्स खुली हैं। देखिए, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है इस बात को, देखा जाए कि ना कोरोना वायरस कंट्रोल हो रहा है और ना ही जो गरीबी है वो कंट्रोल हो रही है। जो हमारे लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी चीज़ें सही सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तब इस स्थिति में सरकार ने भी कहा है कि हम लोगों को सेल्फ डिफेंस करना होगा हर एक चीज़ों से। तो सेल्फ डिफेंस के लिए लोगों को बताते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और लोग अब काम पर निकलेंगे। बट फिर भी अभी भी मैं बोल रहा हूँ, सब चीज़ें एक पैरेलल वे में, एक स्मूथ वे में जाने से पहले अभी बहुत ज़रूरत है लोगों को राशन की, जो राशन हम लोगों को मुहैया कराना होगा। और मेरे भाई लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुहैया कराएं राशन गरीबों को, जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां मुहैया कराएं। आप सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार क्या करेगी? सर, सरकार का काम हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपना एक दायित्व निभा रहे हैं। एक हिंदुस्तानी होने का दायित्व ये बनता है हमारा, एक मैं भी इंडियन हूँ, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, उसका दायित्व ये है कि हर एक हिंदुस्तानी का ख्याल करना होगा। हर एक गरीब से अमीर भाई जिसकी रिक्वायरमेंट जब भी जिस चीज़ की होगी वो करना होगा। सरकार अपनी काम करे, वो संतुष्ट अगर उसी चीज़ में है तो भाई, रिजल्ट हर एग्जामिनेशन का होता है। मैं बोलता हूँ, हर एग्जामिनेशन का रिजल्ट होता है, चाहे वो किसी क्लास में कोई भी पढ़ रहा हो। हर एक साल में रिजल्ट होता है, दो साल में होता है, पाँच साल में होता है, तो रिजल्ट आएगी। उन्होंने बढ़िया दोबारा कोई आदमी नहीं आइएगा, ये सब लोग को मिलना चाहिए। नाक मुंह छुपा के आइएगा। चलो, सोचे कि हमें करना क्या है आज के तारीख में, और उस काम पे पॉजिटिवली बढ़ें, गरीब की मदद करें। हर व्यक्ति इंसानियत अभी लाए, इलेक्शन राजनीति सारे पार्ट को एकदम अलग से कर दे, जातिवाद सबको अलग करके हम लोगों को आगे बढ़ना है और इस काम को करना। सर, एक सवाल और है, सरकार का कहना है कि कोरोना के अभी तक दवा बना नहीं है, पर कोरोना से जो लोग ठीक होकर निकल रहे वो कैसे निकल रहे हैं? जब दवा बना ही नहीं तो कैसे ठीक होकर निकल रहे हैं? देखिए, ठीक ऐसे हो रहे हैं कि सेल्फ जो इम्यूनिटी हमारा होता है, कोरोना के अंदर में क्या है कि अगर एक एज लिमिट है और इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारा और आपका अच्छा है तो वो इम्यून से ही हम लोग रिकवर कर रहे हैं। अगर हमें इन्फेक्शन होगी गले में, हमें दवा दी गई इन्फेक्शन की, एंटीबायोटिक दिया गया, उससे हम लोग रिकवर हो रहे होंगे और रिकवर होकर बाहर आ जा रहे हैं। ये नहीं कि मेडिसिन है। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, जब अगर मुझे डायबिटीज है या ऐसी कोई बीमारी पहले से है, तो वो क्या कर रहा है कि वो हम तो अंदर से पहले से कमजोर हैं, वो ज्यादा दबा दे रहा है। तो ऐसे लोगों को जिनके अंदर पहले से किसी मर्ज हो, डायबिटिक पेशेंट हो, या इस तरह की कोई पेट की प्रॉब्लम है उनके अंदर या लंग्स की प्रॉब्लम है, तो वो रिक्वेस्ट है उनका, वो सेफ्टी बरतें, वो कम से कम बाहर निकलें। जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो घर से कम निकलें, जो ओल्ड एज के लोग हैं और 10 साल से कम के बच्चे हैं वो लोग कम निकलें। देखिए, यहाँ दवाई नहीं है बट केयर तो हम ही को करना होगा। अभी तक शुरू से आखिरी तक हम ही लोग मदद किए हैं लोगों की, देश को हम ही लोगों ने चलाया है। आगे भी ये विपत्ति के टाइम पर हम किसान, हम गरीब ही इस देश को उभारेंगे, ना कि कोई और उभारने जा रहा है। इसलिए सेफ भी हम ही लोगों को रहना होगा। हम किसान भाई से रिक्वेस्ट करते हैं, गरीबों से, जो हमारे मजलूम भाई हैं, कि वो सेफ रहें। फिर से हिंदुस्तान को हम ही लोग चिलचिलाता बनाएंगे, हंसता दिखाएंगे।